आज की खास खबरों की ओर। कोरोना महामारी के चलते जहां कई घर ऐसे हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, वहीं ऐसे में इंदौर के गौरीनगर क्षेत्र में सिद्धेश्वर सेवा समिति संस्था द्वारा लगातार कोरोना महामारी में ऐसे गरीब लोगों को भोजन प्रसादी करा रहे हैं। संस्था का उद्देश्य उन लोगों की सेवा करना है जो बेरोजगार हो चुके हैं, परिवार को एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है, वहीं उनके लिए दो वक्त भोजन कराना उनका उद्देश्य बन गया है। गौरीनगर में रहने वाले अमित पटेल ने अपने दादा और अपने पिताजी के आदर्शों को पूरा करे बीड़ा उठाया और मानव सेवा में लग गए। इंदौर के ऐसे समाज सेवी की कहानी है जो मात्र 10 रुपए के शुल्क पर पेट भर भोजन सुबह शाम करा रहे हैं, जिसमें स्वादिष्ट व्यंजन दाल चावल रोटी पूड़ी और मिठाइयों के साथ में ही अन्य प्रकार की व्यंजन प्रतिदिन गरीबों को सुबह शाम नाममात्र शुल्क में कराया जा रहा है। संस्था का उद्देश्य है कि हम उन गरीब मजदूर व्यक्तियों की सेवा कर रहे हैं जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन उन्हें दो वक्त की रोटी भी समय पर नहीं मिलती है। संस्था द्वारा प्रतिदिन 400 से 500 लोगों को भोजन की व्यवस्था प्रतिदिन की जाती है। संस्था ने बताया कि उनका उद्देश्य है जो भी व्यक्ति यदि भूखा होता है उन्हें हमारी संस्था द्वारा भोजन कराया जाए, ताकि हमारे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रह सके। संस्था द्वारा लगातार या विगत दिनों से कराया जा रहा है और लगातार आगे भी जारी रहेगा। सर बताएं, आपने राम रोटी योजना जो बनी है 10 रुपये में भर भर गरीबों को खाने के लिए, क्या योजना है और कहाँ तक और कब तक चलेगी ये योजना? हमने हमारे मन में तो काफ़ी समय से थी, मेरे पिताजी पिछले 4-5 सालों से ये विचार कर रहे थे कि किस प्रकार गरीबों की मदद की जाए, किस प्रकार हम ऐसा क्या करें जिससे कि लोगों को भोजन की व्यवस्था हो सके। तो मेरे परम पूज्य दादाजी स्वर्गीय सिद्धनाथ जी पटेल की प्रेरणा से प्रेरणा लेते हुए, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, कहीं ना कहीं उनका मार्गदर्शन हमें शुरू से मिलता रहा है, तो उसी के चलते हुए मेरे पिताजी के मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम कम से कम मूल्य में, कम से कम पैसे में ऐसी व्यवस्था जमाए कि गरीब लोगों को भोजन की व्यवस्था हो जाए। और चूँकि ये कोरोना का समय था, तो उसी समय उनके उनका ये जो निश्चय है, जो ये सोच रहे थे, उनने दृढ़ निश्चय लिया कि हम कोरोना से जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद में हमने ये निश्चय लिया कि हम ये कार्यक्रम चालू करेंगे। तो पिछली 1 तारीख से हमने 10 रुपये में भोजन की व्यवस्था जमाई है माँ कालिका भोजन प्रसादी के नाम से। माँ कालिका समिति और संस्था सिद्धेश्वर द्वारा ये व्यवस्था जमाई गई है। हमारे बहुत सारे साथियों का इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा रहा, सब ने हमारा मनोबल बढ़ाया और बोला आप ये काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो बस ये माता रानी के आशीर्वाद से काम चालू हो गया। भोजन प्राप्त कर लेते रोज लगभग 350 भी हो जाते हैं। शुरुआत में 550 लोग थे, लोगों को लगा एक ही दिन की व्यवस्था है तो बहुत भीड़ आ गई थी, उसके बाद में फिर थोड़ा कम हो गया और अब आराम से 400-450 लोग हो जाते हैं। ये बराबर ये हमेशा चलेगा, ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है कि इस समय चालू किया और अब बंद करना है। हमने तो इसी उद्देश्य से किया है कि हमेशा हम जीवन भर ये कार्य करते रहें और चलाते रहें। इसकी कुछ हमने इस तरह से व्यवस्थाएं जमाई कि सुबह 10 बजे तक टोकन कटते हैं, 8 से 10 बजे तक, कभी 11 बजे तक कट जाते हैं। उसके बाद में हमको पता चल जाता है कि कितने लोग आज भोजन करेंगे, प्रसादी लेंगे, उस हिसाब से हम भोजन की तैयारी करवा लेते हैं और शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 9-9:30 बजे तक भोजन मिलता है, यहाँ बिठा करके भोजन की व्यवस्था जमा देते हैं। मेरा नाम अमित पटेल है और मेरे पिताजी श्री चंद्रशेखर जी पटेल संस्था सिद्धेश्वर के अध्यक्ष हैं, जिसके माध्यम से ये काम चल रहा है। पुलिस वाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।